हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फूड स्टेप। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त यूसुफ हसन कातिब, और आपको खुशामदीद कहता हूं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम मौजूद हैं बहादुराबाद के बिल्कुल हकब में, इस्माइल नैनीताल वाला रोड और ये जो चरंगी है इसके बिल्कुल सामने मौजूद है द पिज़ेरिया। जो फूड जॉइंट, जो रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसका नाम है द पिज़ेरिया। बेसिकली पिज़ेरिया क्या है, मैं आपको बताता चलूँ कि एक पिज़्ज़ा जॉइंट है जो कि इनका बहुत वाइड मेन्यू है, बहुत अलग अलग टाइप के और बहुत यूनिक टाइप के पिज़्ज़ा हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, साइड लाइन हैं, एपिटाइजर्स हैं। तो क्या कुछ है, कैसे तैयार हो रहा है, कैसा एम्बियंस है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो फिर आइए आगाज़ करते हैं। और एंटर होते ही एकदम से एम्बियंस चेंज हो जाता है। कराची के माहौल से आप निकल के आ जाते हैं पिज़्ज़ेरिया के अंदर, और शुरू से ही इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एम्बियंस बनाया है। बड़ी अच्छी सी यहाँ पर डिम लाइट्स हैं, और जो डाइनिंग है वो ऊपर है, तो हम ऊपर बढ़ते हैं और वहाँ एक शख्सियत से मुलाकात भी होगी। यहाँ इधर कमरे मौजूद है जो डे वन के लिए, और रिसेप्शन भी आप कह सकते हैं। ऊपर एक शख्सियत मौजूद है जिनसे हमारी मुलाकात भी होगी, उनसे जानेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पिज़्ज़ेरिया और क्या सिलसिला है। तो आइए ऊपर डाइनिंग का सिलसिला देखते हैं। हम एंटर हो चुके हैं इनके डाइनिंग एरिया में, और सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो इनका एम्बियंस। एम्बियंस बहुत खूबसूरत है। हमारे साथ मौजूद है रेहान भाई। रेहान भाई कैसे आप कैसे हैं? रेहान भाई यहाँ पर होते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो हम इनसे ही पूछेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पिज़्ज़ेरिया, कितना पुराना है। माशाल्लाह पिज़्ज़ेरिया को 2 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छा है हमारा एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा हमारा माशाल्लाह पिज़्ज़ा का फीडबैक हमारा माशाल्लाह बहुत वेल एंड गुड है। अच्छा, मेन्यू भी मैंने आपका देखा अभी, बहुत वाइड मेन्यू है। मुझे ये बताएं कि आपके मेन्यू में वो कौन सी स्पेशलिटीज हैं जो और कहीं नहीं मिलती लोगों को। हमारे पिज्ज़ा में जो स्पेशलिटी है वो आपने आई थिंक अभी 90s का पिज्ज़ा हट का पिज्ज़ा अगर आपने खाया हो, जब न्यू लॉन्च हुआ था पिज्ज़ा इन पाकिस्तान, ऐसे ही उस टाइम का जो पिज्ज़ा है आज का वही पिज्ज़ा है जो हम दे रहे हैं। वाह वाह वाह, ठीक है। जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक चीज़ है, और हमारी चीज़ जो है बड़ी बहुत अच्छी, मतलब पिज़्ज़ा हमारा माशाल्लाह नो डाउट, अगर आप उसको खाएंगे या सजेस्ट करेंगे लोगों को तो लोग आपसे बाकी पूछेंगे यार आपने हमें जो सजेस्ट किया था तो ये कहाँ से, आपको कैसे मिला, आपको कैसे, तो माशाल्लाह हमारा फीडबैक बहुत। मैंने अभी ट्राई नहीं की हुई थी, बट मैं यहाँ की प्रोफेशनलिज्म, यहाँ का एम्बियंस देख के कह रहा हूँ कि आपका एक अपना लेवल है। और दूसरा मुझे बताएं कि आपके मेन्यू में यूनिकनेस क्या है, मतलब कोई ऐसा आइटम जो हम बोले यार ये किसी जॉइंट में नहीं मिलेगा। हमारा पिज्ज़ा, पास्ता, लज़ानिया, ये हमारी स्पेशलिटी है। क्या बात है, लोग जो डाइनिंग में आते हैं, जो टेक अवे होता है या फिर जो डिलीवरी होती है उसमें लोग अपने मुंह से हमारे पास आते हैं ये कहकर कि हमें आपका क्रीमी गार्लिक पिज्ज़ा एंड फेरी क्रीम, ये दो पिज्ज़ा हमारे सिग्नेचर पिज्ज़ा। मैं ये पूछने वाला था आपसे कि एक तो देखने में मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, एक छोटे से स्पेस में आपने बड़े खूबसूरती से सारी चीज़ों को मैनेज किया, कितने लोगों की सीटिंग है यहाँ पर? हमारे पास अलहमदुलिल्लाह 35% की सीटिंग, 35% की सीटिंग देखने में नहीं लग रहा, देखने में नहीं लग रहा, लेकिन आप अगर हमारा नाक को दिखाता हूँ, ये हमारा डाइनिंग फुल डाइनिंग, मतलब अगर कोई 15% या 16-18% की सेटिंग होगी तो वो इस पर इजीली आराम से हो। जबरदस्त। दैन उसके बाद हमारा ये पोर्शन आता है, दैन उसके बाद ये दो चीज़ें आता है। अच्छा, कितनी ब्रांचेज हैं आपकी कराची में? हमारी अलहमदुलिल्लाह 2 ब्रांचेज हैं। जबरदस्त, एक जौहर में है और एक बहादुराबाद। क्या बात है, तो 30-35 आप कह रहे हैं पर्सन्स की जो है वो डाइनिंग यहाँ पर मौजूद है, और मेरे ख्याल में आप इवेंट्स के लिए, पार्टीज के लिए? बिल्कुल, बर्थडे पार्टीज और डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमें एक दो दिन पहले बोल के जाते हैं और हम उसी तरह से उनकी पार्टी को और वो ओल्ड स्कूल फ्लेवर दे रहे हैं जो स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान में पिज्जा आया था और कुछ नामी ग्रामी ऐसे जॉइंट्स में जो लेके आए थे और उन्हीं की हाइप हुआ करती थी, वो फ्लेवर अब देखने को नहीं मिलता, बट दे आर सर्विंग द सेम फ्लेवर। तो आप कुछ यूनिक सा ऑर्डर करेंगे और खा के रिव्यू देंगे कि आया जैसा ये कह रहा है वैसा है कि नहीं। ये टॉपिक का सेक्शन है जहाँ सारी चीजें होती है, पिज्जा वगैरह,
तो आप ये कुकिंग की फील्ड में शेफ लाइन में मतलब शौक से आए या फिर कोई और वजह से? रिसेंटली मैं शौक से आया, पैसे की कोई नहीं थी, शौक करते करते हॉबी बन गई। एक बड़ा कमाल का सवाल है कि पिज्जा आपके लिए क्या है? पिज्जा बहुत एक बहुत चीज है, मुझे बहुत पसंद है कि जैसा मुझे हर चीज पसंद है, हर चीज जो मुझे पसंद होगी वो हर इंसान जो मैं खुद खा सकता हूँ वो मैं अच्छा मुझे थोड़ा सा आप टूर देते हैं, ये तो असेंबली सेक्शन में देखते हैं, इसके अलावा ये मूवी मौजूद है कि यहाँ से आप लोग के बजे से डायमंड देते हैं, ये मेरा भी मार्शल ओवन है हमारा, तो यहाँ से थोड़ा बॉटम और लोग ओवन है। अच्छा दोनों दोनों ओवन है, दोनों में अलग अलग कैपेसिटी कितने की बची, एक कप में कितने पिज्जा बनाते हैं? ये जो हमारी है ये हमारा बॉटम चीज मच भी इम्पोर्टेंट है, केसो हाँ ये बॉटम चीज हम इसको फैले नहीं देखते सो किचन से फारिग होने के बाद अब हम ऊपर आ चुके हैं एंड वेटिंग फॉर द ऑर्डर। मीनवाइल लेट मी टेल यू अ शॉर्ट एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पिज्जा। व्हाट इज पिज्जा? पिज्जा का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एक फ्लैट ब्रेड है जिसके ऊपर टॉपिंग हुई हुई है चीज और मुख्तलिफ आइटम्स की। ब्रेड, फ्लैट ब्रेड और उसके ऊपर टॉपिंग करके इसको कंज्यूम करना, इसका कॉन्सेप्ट हमें तीन फॉर्मों में मिलता है, ग्रीक्स में, रोमन्स में और इजिप्शियंस में। ये लोग ब्रेड को इस्तेमाल करते थे उसके ऊपर मुख्तलिफ, ऑल्दो वो चीज ऑलिव्स और ये सारी चीजें नहीं इस्तेमाल करते थे, उनकी अपनी टॉपिंग्स होती थी कुछ वेजीज और कुछ स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू रीजन। बट ये कॉन्सेप्ट वहां से चला के एक फ्लैट ब्रेड हो जिसके ऊपर टॉपिंग्स हो और आप उसे एज अ होल मील कंज्यूम कर लें। बट मॉडर्न डे का जो पिज्जा है जो इस वक्त आप और मैं खा रहे हैं, इसकी हिस्ट्री मिलती है हमें साउथ वेस्ट इटली से। अब साउथ वेस्ट इटली में जो पिज्जा कंज्यूम होता है वो है थिन क्रस्ट, दैट इज नॉट दैट थिक वन। जो थिक वन पिज्जा है जो मैदे से तैयार हो रहा है, इटली में जो पिज्जा कंज्यूम हो रहा है वो आटे से तैयार हो रहा है, जो मैदे से जिसकी बेस तैयार हो रही है वो अमेरिकन स्टाइल। सो ये दोनों वेरिएशन इस वक्त पाकिस्तान में आपको मुख्तलिफ पिज्जा जॉइंट्स में मिलती है एंड दिस इज द शॉर्ट एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पिज्जा। पिज्जा को या बर्गर्स को, फास्ट फूड को हमारे कल्चर में बहुत से लोग हैं जो उसको बुरा समझते हैं, बट ये बुरा नहीं है। ये बुरा समझने का जो कॉन्सेप्ट है ये कल्चरल डिफरेंस की वजह से है। इस तरह हमारा सालन रोटी, हमारी बिरयानी वेस्ट में जो है वो थोड़ी सी मायूस समझी जाती है, इसी तरह हमारे यहाँ उनके खाने मायूस समझे जाते हैं। ऑर्डर हमारा सर्व हो चुका है, वी हैव टू काइंड ऑफ पिज्जाज और एपेटाइजर प्लेटर है और इनका स्पेशल स्पेशल पार्सल मिलेगा। अच्छा ये मैं दोनों पिज्जाज को डिफाइन कर देता हूँ, ये जो है ये डबल फ्लेवर्ड है, हाफ एंड हाफ है, हाफ जो है वो चिकन पेपरोनी, चीज एंड पेपरोनी है और हाफ जो है चिकन सुप्रीमो है। उसके साथ यहाँ मौजूद है सीख एंड चीज जिसमें स्पेशल सीख कबाब इनके प्लेस किए गए हैं। सो फर्स्ट वील ट्राई द सीख एंड चीज और इसमें से एक पीस हम लेते हैं, ये देखें आप लुक एट द चीज पुल और इसमें से जो अरोमा आ रहा है वो बहुत ही कमाल का है। लेट मी ट्राई दिस, जस्ट इमेजिन के अभी बाइट मेरे मुंह में गया और पहले बाइट के साथ ही जो फ्लेवर्स का और जो चीजीनेस का पंच आया ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बेक है वो इंतहाई सॉफ्ट है, टेंडर है और साथ में जो टॉपिंग्स की हुई है ना वो ऐसी नहीं है कि आपका मुंह जलने लगे बहुत ज्यादा स्पाइसेस का फ्लेवर हो, बड़ा मुनासिब सा फ्लेवर है। जो इन्होंने सीख कबाब में आपको दिखाना चाहूंगा, जो सीख कबाब इस्तेमाल किया हुआ है वो बड़ा फ्लेवरफुल है और साथ में सॉसेज और चीज का जो तालमेल बना हुआ है वो बहुत ही कोई जबरदस्त है। पेपरोनी चीज मैंने सो रहा है सेम बोल विद चिकन सुप्रीमो एंड चिकन चीज। अब मैं बढ़ रहा हूँ इनके स्पेशल पिज़्ज़ेरिया पास्ता की तरफ। अच्छा ऊपर इसकी टॉपिंग की हुई है चीज से, इसको बेक किया जिसकी वजह से चीज जो है वो एक लेयर बन गई है और ये देखना जो टॉप लेयर है वो
बड़ा अलग सा बड़ा डेंस सा टेक्सचर दे रही है और अंदर जो पास्ता है उसका जो फ्लेवर है वो टैंगी सा फ्लेवर आ रहा है, बड़ा जबरदस्त। अच्छा ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये है इनका एपेटाइजर प्लेटर जिसमें यहाँ पर चिकन विंग्स मौजूद है, पोटैटो वेजीज मौजूद है और गार्लिक ब्रेड है विद द टॉपिंग ऑफ चीज और पोटैटो स्किन मौजूद है जिसमें ऑल्सो मेरे ख्याल में चीज की और चिकन की फिलिंग की हुई है, चीज और वेजीज की। ये देखिए पोटैटो स्किन, मुझे ये बड़ी अपील करती है ना कि हमने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि हम कभी पोटैटो पील यानी कि आलू का छिलका भी खाएंगे, वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। सो बेहतरीन, एंड वील ट्राई लास्ट बट नॉट द लीस्ट चिकन विंग विद द सॉस। अच्छा पिज्जा खाने के शौकीन है और वो फ्लेवर आप चाहते हैं कि जो इब्तदाई फ्लेवर है पिज्जा का जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया क्योंकि अब शायद कहीं वो गुम हो गया, वो ही रिट्रो वाला फ्लेवर आपको चाहिए तो आपके लिए ये मस्ट ट्राई है। फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए, बेहतरीन प्लेस है डाइनिंग के लिए। टेक अवे करना चाहते हैं, टेक अवे डिलीवरी भी अवेलेबल है। एंड अगर हम फ्लेवर की बात करें तो दिस इज टॉप ऑफ द लिस्ट। जी तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का व्लॉग, हमारी आज की वीडियो। वी ट्राइड टू टाइप्स ऑफ पिज्जाज, इनका स्पेशल चीजी पास्ता, एपेटाइजर प्लेटर, एंड ईच एंड एवरी आइटम वॉज सो डिलीशियस, सो डिलेक्टेबल। और वंस अगेन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जरूर आए विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली, परफेक्ट प्लेस फॉर डाइनिंग। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली अच्छी न्यू इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त बआसानी पहुंच सके।